और डीआईजी सर और एसपी सर के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई आज की गई है। आज बिछिया पुलिस द्वारा 19 किलो 262 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। कार्रवाई करते हुए उक्त कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें मुखबिर की सूचना प्राप्त होते ही एसपी सर द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम द्वारा तत्काल रेड की कार्रवाई की गई और मौके से दो आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनसे 19 किलो 262 ग्राम गांजा का माल बरामद हुआ है, साथ ही जिसकी कीमत 2,28,000 रुपये है और उक्त आरोपियों को न्यायालय पेश कर दिया गया है। ये ओडिशा से लेकर गांजा आ रहे थे, रेलवे के माध्यम से ट्रेन से गांजा लेकर आए हैं और ये लक्ष्मणपुर ही जा रहा था, वहाँ से वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होना था। और इसके पीछे और अन्य आरोपी भी हैं जो विवेचना का पार्ट है, जिनकी तलाश की जा रही है, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, इसके पूरे नेटवर्क का भी खुलासा किया जाएगा। नहीं, इसके पहले अभी कभी नहीं पकड़े गए हैं। इसमें एक अपचारी बालक है जिसकी उम्र 17 साल है, वो लगभग 1.5 साल से इस काम में इन्वॉल्व है, और एक 19 वर्ष का है जिसका नाम विमल उर्फ सानू तिवारी है, जो अभी पिछले 1.5 महीने से इस काम में जुड़ा हुआ है, और आगे जिन लोगों के लिए काम करता है उनके संबंध में पूछताछ की जाएगी पीआर लेकर। ये आरोपी बेरोजगार हैं, पढ़ाई नहीं की, 9वीं क्लास इसने पढ़ाई छोड़ दी थी, जो तो इसके बाद फिर ये इसी काम में इन्वॉल्व हो गया। इसमें इनको अच्छा पैसा मिलता है, ये तस्करी करने में, माल लाने ले जाने में, तो ये काम इसमें जुड़ गए और इसमें ये गलत कृत्य कर रहे हैं। ये जो अपचारी किशोर है ये 1.5 साल से कार्य कर रहा था इसमें, ये विवेचना का पार्ट है। नाम अभी पता चला है, जैसे ही आरोपी को पकड़ा जाएगा तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। ट्रेन से लेके ये लक्ष्मणपुर जा रहे थे, उसी रास्ते में लोही ब्रिज के पास हमारी टीम ने उसको पकड़ा है।